नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है बीकानेर, चूरू व पंजाब की आज 27 मार्च की खास खबरें। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए चूरू जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में प्रशासन की सख्ती नजर आई। SDM तहसीलदार सहित पुलिस के अधिकारी लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे रहे। हालांकि सख्ती के बावजूद अभी भी कुछ लोग बेवजह सड़कों पर तफरीक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए लोगों को मैं समाज का दुश्मन हूँ का पोस्टर लगाकर उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। चालान में वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जरूरत का सामान खरीदारी करने के लिए राहत दी जा रही है। मौसम विभाग ने आज फिर से समूचे प्रदेश में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आज शुक्रवार तड़के जयपुर समेत नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और 12 जिलों में रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है, जिसमें पारे में गिरावट के साथ मौसम सर्द बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अदर चलने और बारिश के साथ बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू, सीकर ओलावृष्टि की इस आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के लिए इस मुश्किल घड़ी में मुस्लिम समुदाय भी एकजुट होकर अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं आज शुक्रवार जुम्मा जोहर की नमाज कोरोना को हराने में अपना समर्थन देते हुए प्रदेश की समस्त मस्जिदों में इमाम की सहमति से शहर के समस्त मुस्लिम समुदाय ने आज घरों में ही जुम्मा की नमाज अता की और देश के लिए अमन चैन की दुआ की। चूरू जिले के बीदसर थाना क्षेत्र में ढाणी गढ़वाल में वीरवार शाम को खेत में बने करीब 700 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल का मासूम सुभाष पुत्र सोहनलाल गिर गया, जिससे करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद शुक्रवार सुबह 5:30 बजे बाहर निकाला गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। उसे बचाने के लिए अलवर व जयपुर से भी विशेष टीमें बनाई। इन टीमों ने रात भर मशक्कत करने के बाद आज सुबह 5:30 बजे सुभाष को निकाल लिया। चिकित्सकों ने जाँच के दौरान सुभाष को मृत घोषित कर दिया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण चूरू समेत पूरे शेखावटी में घरेलू यात्रियों का आना जारी है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग चूरू में भी आ चुके हैं जिन्हें स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। कुछ लोग मेडिकल टीम की निगाहों से भी छूट गए हैं। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने अथवा बीमार होने की स्थिति में अस्पताल में आइसोलेट करने का इंतजाम किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण 4 दिनों से घर में बैठे लोगों का राशन व सब्जी खत्म हो गई थी। सरदार शहर प्रशासन ने ताल मैदान में सब्जी की दुकानें लगाने की व्यवस्था की। ताल मैदान में दूर दूर सब्जी के गाड़े लगाए गए। 4 दिन बाद खुली सब्जी के दुकानों के कारण एक बार दुकानों के आगे भीड़ लग गई, लेकिन लोगों ने दूर दूर खड़े रहने की सलाह देकर भीड़ को इधर उधर किया। वहीं राशन की दुकानों में भी भीड़ लग गई। दुकानदारों ने एक एक व्यक्ति को बुलाकर आवश्यकता के अनुसार सामान दिया। बीकानेर के लिए राहत की खबर है। अब तब बीकानेर में भी एक कोरोना वायरस का मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ है। गुरुवार को 5 मरीजों की जांच कराई गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अतिरिक्त प्राचार्य व मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर LA गौरी ने बताया कि सरकार ने कोरोना के तहत 25 मल्टीपैरा मॉनिटर मिले हैं। इस उपकरण भर्ती होने वाले कोरोना संदिग्ध मरीजों के काम आएंगे। वहीं करीब 96 लाख रुपये के 8 वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं, जिनकी स्वीकृति मिल गई है। 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। बीकानेर जिले के नया शहर थाना क्षेत्र में 13 साल के एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक NDA कॉलोनी निवासी खुशहाल पारिक ने बताया कि उसके मामा का लड़का दीवान पारिक, जो नज़दीक के ही निजी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था, कल शाम को उसने घर के ऊपर वाले कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी बीकानेर के जिला प्रशासन ने कुछ अधिकारियों की संवेदनाएं अभी तक जागी नहीं है। PBM अस्पताल के पास रेलवे क्वार्टर में रहने वाले अभिषेक राणा की बहन का निधन रतनगढ़ में हो गया तो उसे ऑनलाइन परमिशन देने में इतना समय लगा कि माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। राणा ने 26 मार्च को रतनगढ़ जाने की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। परिवहन विभाग के अधिकारी जुगल माथुर ने जब एक जनप्रतिनिधि से बात की तब राणा के परिवार को रतनगढ़ जाने की स्वीकृति मिली। पंजाब के कई जिलों में आज मौसम खराब हो गया। हालांकि इसकी पहले से आशंका थी। अल सुबह से ही हल्की मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसके बाद कहीं भारी बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी अभी तक जारी है। वहीं कई जगह आसमान को बादलों की ओट में छिपा देखा जा सकता है। इससे प्रदेश में कर्फ्यू की ड्यूटी दे रही पुलिस को लोगों को घरों में रहने की खासी मदद मिल सकती है। साथ ही बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।
पंजाब में दिहाड़ी और असंगठित मजदूरों के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। इसके तहत मजदूरों के घर घर जाकर उन्हें सूखा राशन दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि हम डोर टू डोर अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सूखे राशन के 10 लाख पैकेट बांटे जाएंगे। प्रत्येक पैकेट में 10 किलो आटा, 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी शामिल है। दिल्ली के तिहाड़ जेल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत जेल की भीड़ को कम करने के लिए कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। पंजाब के 6000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी 11000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है। पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमित एक शख्स की 18 मार्च को हुई मौत के मामले में नई बात सामने आई है। माना जाता है कि राज्य में कोरोना के 33 मामलों में से 23 उसी की वजह से वायरल फैला है। कोरोना से संक्रमित 70 साल का यह शख्स पंजाब के एक गुरुद्वारे का ग्रंथी था। वह पड़ोस के गांव में अपने दो दोस्तों के साथ 2 हफ्ते के लिए जर्मनी और इटली गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्हें खुद को आइसोलेशन में रखना था, लेकिन ऐसा न करते हुए उन्होंने काफी समय लोगों से मुलाकातें की। लॉकडाउन के कारण आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिल रही हैं। इस स्थिति में पंजाब संकट मोचक की भूमिका में है। देशवासियों को गेहूं और चावल की उपलब्धता को यकीनी बनाने के उद्देश्य से पंजाब में 20 विशेष मालगाड़ियों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं व चावल की सप्लाई की गई है। इस सप्लाई से जहां जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध होगा, वहीं राज्य के गोदाम भी खाली होंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.